दिल्ली के कंझावला मामले में एलजी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान आप नेताओं ने एलजी को बर्खास्त करने की मांग की। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने आपके प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन के दौरान लोग बैरिकेड को हटाने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान पुलिस ने सभी को पीछे हटाया। इस दौरान आप विधायक अतीशी ने कहा कि पूरे मामले को लेकर एलजी की जिम्मेदारी बनती है, इसलिए उनकी बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। अतीशी ने कहा कि एलजी सिर्फ केजरीवाल सरकार के कामकाज को रोकने की कोशिश करते हैं, राजनीति करने में व्यस्त रहते हैं, तो वो कानून व्यवस्था पर क्या ध्यान देंगे। ऐसे एलजी को हटा देना चाहिए केंद्र सरकार को। हालांकि एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पल पल की जानकारी ली है। एलजी विनय सक्सेना ने पुलिस कमिश्नर को सुबह राजनिवास बुलाया, जहां करीब डेढ़ घंटे तक बैठक हुई। इससे पहले पीड़िता की मौत के बाद परिवार के सदस्यों और समर्थकों ने सोमवार 2 जनवरी को सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। लड़की को एक कार में सवार 5 युवकों द्वारा कई किलोमीटर तक घसीटा गया था। इवेंट प्लानर का काम करने वाली युवती के परिवार वालों को इस घटना में साजिश का शक है। परिजनों ने बताया कि वे शाम करीब 6:30 बजे घर से निकली थी। 31 दिसंबर को उसका फोन लगभग 10 बजे बंद पाया गया। मृतक की मां का कहना है कि मेरी रात करीब 9 बजे उससे बातचीत हुई। उसने कहा वे लगभग 3-4 बजे घर वापस आ जाएगी। हमें सुबह पुलिस ने उसकी दुर्घटना के बारे में सूचित किया। मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया और इंतजार कराया गया। वहीं इस मामले को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी सोमवार को पुलिस से स्पष्ट करने को कहा कि क्या महिला का यौन उत्पीड़न किया गया था और क्या आरोपी का आपराधिक इतिहास था। इस दर्दनाक घटना में महिला के कपड़े फटे हुए थे और बाद में उसका नग्न शरीर पुलिस को मिला। इस मामले को लेकर पुलिस ने कहा कि उन्होंने कार में सवार 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णा मिट्टू और मनोज मित्तल के रूप में हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।